नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीन सौदागर के साथ। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम पहली बार रीवा आए, ऐतिहासिक स्वागत। हाथी से लेकर तमाम जगह उनको तौला भी गया, कहीं पर मिठाई से, कहीं पर किसी और तरीके से। यहां पर त्रिस्तरीय पंचायत सम्मेलन हुआ, जिसमें जैसा कि कहा गया, दलगत राजनीति से उठकर त्रिस्तरीय पंचायत का जो भी अगुआ थे वो थे कांग्रेस के विधानसभा चुनाव लड़ चुके अभय मिश्रा, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष। माना जा सकता है गिरीश गौतम का जिस तरीके से रीवा में स्वागत हुआ, तमाम दल के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही कि हमें अगर कोई निष्पक्ष कहे तो ये बात गलत भी हो सकती है। मैं रीवा को लेकर, रीवा की पारचल्टी हमेशा करता रहूंगा, अपना घर मैं नहीं भूल सकता। मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं रीवा के एनसीसी मैदान पर पंचायत के त्रिस्तरीय सम्मेलन में, और आपको बताता हूं गिरीश गौतम ने पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद, रीवा आने के बाद क्या कुछ कहा। हम लोग एक सम्मान की घड़ी में गिरीश गौतम जी का हृदय से आपकी अभिनंदन करना चाहते हैं और आपके सामने यह क्षण है। बस मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं तो इस बात के लिए विभूत हूँ कि ईश्वर ने यह क्षण दिया और हम सब अंदर से आनंदित हुए और एक गौरव का अनुभूत किए। आप सभी पधारे हुए जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि सब लोग पधारे। आप सभी अतिथिगण हमारे बीच में पधारे, आपका स्वागत करके, आपका अभिनंदन करके हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच है, उनको ही पाकर हम सभी आनंदित हैं और बहुत सुखद क्षण है। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सबको पधारने के लिए धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र के विधायक, चुनाव विधानसभा क्षेत्र का नाम लिया जाए तो पूरे देश के एक ऐसे क्षेत्र का चित्र उभरता है जिसने कभी पूरे देश में एक राजनीति में पैठ बनाई। लेकिन उनके सम्माननीय अर्जुन सिंह के बारिशों के क्रियाकलापों, जन विरोधी क्रियाकलापों के विरुद्ध संघर्ष का चुनाव से विजय हासिल करने वाले हम सबके राजनीय नेता सत्येंद्र द्विवेदी जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं। आज हम सबको बड़ी प्रसन्नता, जब से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है, पीड़ा थी मन में कि रीवा जिले ने 8 में 8 सीटें दे दी, विंध्य क्षेत्र में 30 में 24 सीटें दी। लेकिन दूसरी बार जब, चौथी बार जब शिवराज सिंह चौहान जी बने तो हमारे विंध्य के साथ न्याय नहीं हुआ। ये पीड़ा सिर्फ राजनीतिक लोगों में नहीं थी, जनता जनार्दन में भी थी। लेकिन जब से आदरणीय गिरीश गौतम जी को विधानसभा के अध्यक्ष के लिए चुना गया तब मुझे विंध्य में इस बात का संतोष हो गया कि मंत्री भले कोई नहीं बना, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष, जिसके अंदर सारे मंत्री रहते हैं, जिनके इशारे पर विधानसभा में सारे मंत्री काम करने के लिए मजबूर हो गए, आदरणीय गिरीश गौतम जी को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे संगठन ने किया। इसलिए हम सबको इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। लगातार 4 वर्ष से विधायक गिरीश गौतम जी ने, उनका वास्तव में उनका इस पद के लिए सबसे मजबूत क्लेम बनता था।
लेकिन हमारा संगठन बहुत सोच समझ के निर्णय करता है और हर पहलुओं पर विचार करके निर्णय करता है और जब समय आता है तब निर्णय करता है। और जब समय आ गया तो निर्णय हो गया। हम लोगों का एक सपना है कि रीवा जिले को मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान का नंबर एक का जिला बनाए। आज बाढ़ की नहरों का जाल जो बिछा है उसमें गिरीश गौतम जी ने विधायक रहते हुए विधानसभा में जिस मजबूती से इस मामले को उठाया करते थे हम सारे विधायक लोग, मुझे भी आपके आशीर्वाद से मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला तो मैंने भी हमेशा यही सोचा कि अमना चुको चौहान ये जो मौका मिला है इसमें रीवा को के माथे से उस कलंक को मिटाना है जो रीवा के माथे में पिछड़े पन का कलंक लगा रहा। ये जिला पंचायत की ओर से नागरिक अभिनंदन करता हूं। जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत के तमाम सदस्यगण, हमारे सारे मंडल जनपदों के अध्यक्षगण, जनपद के सदस्यगण, हमारे सरपंच साहब, हमारे सरपंचों के वार्ड के तमाम सदस्यगण त्रिस्तरीय पंचायत के भीतर यहां आए, हमारे इस जिला पंचायत के हमारे सीओ साहब, इस जिले के कलेक्टर साहब भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। इस रीवा में रीवा को विकास की तरफ ले जाने की सोच जिससे शुरू हुई, दबाव बना राजेंद्र शुक्ला को मैं भूल कैसे सकता, जिनने ये दिशा दिखाई कि विकास का रास्ता क्या हो सकता। हम सब ने मिलकर के जब बाढ़ स्वागत नहीं आ रहा था, मुझे याद है आज भी, हम थे, नागेंद्र सिंह जी थे, पंचूलाल जी थे, जलार्दन जी थे, हम सब, राजेंद्र शुक्ला जी थे, सब ने मिलकर के देवलोक में बैठक करके ये तय किया कि पानी नहीं आएगा तो शायद जो जनार्दन जी आज कह रहे थे वो हमको अवसर नहीं मिलता कि हमारे राज को उत्पादन का इतना ज्यादा उत्पादन बढ़ाया इस बाण सागर के पानी ने कि हमारे पास अब गोडाउन नहीं है जहां राजों को हम रख सकें। ये उसी कारण हुआ, ये सोच के कारण हमारे भाई राजेंद्र जी, हम दोनों अलग अलग दल में थे, हम जनार्दन, संघर्ष का रास्ता एक ही था, सड़कों में संघर्ष करके जेल जाना ये सगल था, हमारा भी है जनार्दन का, और इसमें रहती थी कि सबसे ज्यादा जेल कौन जाए। अब बड़ा भाई होने के नाते हालांकि उन्होंने इमरजेंसी में इसमें एक महीना बिताया, परंतु सबसे ज्यादा बार जेल जाने का रिकॉर्ड मैंने भी कायम किया 17 बार से ज्यादा, ये संघर्ष था। और आज मुझे ये जो पद मिला है मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि साथियों, यह न केवल गिरीश गौतम को स्पीकर बनाने का पद नहीं है, यह उन लोगों का संकेत है कि जो राजनीति में आने का कोई दूसरा माध्यम ढूंढते हैं उनके लिए एक हम लोग स्थापित व्यक्ति हो गए कि यह भी एक रास्ता है राजनीति में ऊंचाई प्राप्त करने का। ये उदाहरण इसका, हमने कहा बोझा आया इसमें तो राजनीति 100 किलो का 1 क्विंटल में बोझा आया है और इसमें कंधे भी तो ज्यादा है, राजेंद्र शुक्ला जी का कंधा है, जनार्दन जी का कंधा है, नागेंद्र सिंह जी का कंधा है, श्यामलाल द्विवेदी का कंधा है, पंचूलाल का कंधा है, प्रदीप पटेल का कंधा है, केपी त्रिपाठी का कंधा है, दिव्यराज सिंह का कंधा है, इतने कंधे है तो भारत में आप होगा, थोड़ा थोड़ा बांटेंगे तो हमको कम भार आए और हम सब मिलकर रीवा को जिस दिशा में विकास की तरफ पार्टी सरकार ले जा रही थी उसमें कोई प्रगति में उसके कोई बाधा ना आवे, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। अरे ये पक्षपात माना जाएगा वैसा पक्षपात मैं बार बार करूंगा, मैं आपको वचन देते जाऊंगा। और आप अभी वार्ड पार्षद, वार्ड पंचायत के सदस्य होंगे, सरपंच होंगे, जिला पंचायत होंगे, तमाम वो संभावनाओं का बीज हो, विधानसभा जाने का, लोकसभा जाने का, सबको अवसर नहीं मिल जाए और उसी रास्ते से हम सबको चलना पड़ता है। और हम सब ने, कई लोगों ने मिलकर जो रास्ता खोला है, आइए हम सब मिलकर इस रीवा जिले के लिए आहूत करें, यज्ञ करें, हवन करें, हवन इस बात का कि हमारे रीवा जिले को पूरे मध्य प्रदेश के भीतर जैसा राजेंद्र जी कहते हैं, रीवा को, सीधी को, सिगरौली को, सागौर को, सतना को, अनूपपुर को, उमरिया को, इन जिलों के लोगों को कल्याण का काम जितना ज्यादा हो सकता है हो और क्षेत्र का विकास भी हो,
फिर ऐसा विकास हो कि हमारे पंचीलाल जी को नागेंद्र सिंह जी को ध्यान आकर्षण नहीं लगा। कई बार स्वाभाविक लगता है कि ये बड़ी चुनौती हमारे साथ। कई बार लोग कहते हैं कि साहब यहां बड़े बड़े लोग हुए, चार चार स्पीकर हुए, सबके बड़े बड़े नाम हुए, कोई कुछ कहलाया, कोई कुछ कहलाया, कोई कुछ कहलाया। मैंने कहा कि मैं अपने कर्मों से, अपने कर्तव्य से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से इस बात का प्रयास करूं, इस धरती के माटी का पुत्र होने के नाते इस क्षेत्र का सेवक बनकर के काम कर सकूं। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं इस क्षेत्र का सेवक बनकर के निकलना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। इतने विधायक हैं ये, हम ये चिंता नहीं करें।